शब्दों का प्रयोग अगर मैं करूं जो थोड़ा आपको हार्श लगे तो उसको आप माइंड मत करना, लेकिन वो सिर्फ वही लोग माइंड करेंगे जो थोड़ा कांग्रेस पार्टी से जुड़े होंगे, वरना कोई माइंड नहीं करने वाला है। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया व्यूअर है, तो मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। थंबनेल से पता चल चुका होगा और टाइटल से कि ये टॉपिक सैम पिट्रोदा के उस बयान के ऊपर है जो कह रहे थे बहुत आसानी से कह के निकल गए कि हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। एक्चुअली कोई भी क्यों सरप्राइज्ड हो रहा है इतना भाई? जो कांग्रेस पार्टी, जिसका एक मोटो था कि इंदिरा गांधी को मारने वाले लोगों को, मतलब उन्होंने एक प्रॉपर धर्म को टारगेट कर लिया कि हम सिख धर्म के, मतलब हम बदला लेंगे, हम उस धर्म के उतने लोगों को मारेंगे, उन्होंने बदला लिया। आप लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो कि वो लोग कभी अपोलोजाइज करेंगे, कभी इस बात के लिए रिग्रेट भी करेंगे? वो रिग्रेट तब करते जब उस राइट के बाद कोई भी सिख कम्युनिटी का एक एक सिंगल मेंबर, एक भी बच्चा बच्चा कोई भी उनकी पार्टी से कोई रिलेशन ना रखता, कभी भी उस पार्टी को वोट ना करता, कभी कहीं टिकने ना देता, ये फील कराता, ये उन्हें रिग्रेट फील करने पे मजबूर कर देता और वो सॉरी बोलने पे मजबूर हो जाते जब उन्हें साथ नहीं मिलता। लेकिन सिख एक्चुअली क्या है, ये एज एन इंडियन बोल रहा हूँ, हम लोग की मेंटालिटी ये चीज़ों को भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं और सोचते हैं कि फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ सैम पिट्रोदा ने की, उसने ये कहा कि जो हुआ तो हुआ, और जब बाद में क्लेरिफिकेशन मांगा गया तो उसने ये कहा कि मेरा मतलब था मूव ऑन करो, हो गया तो हो गया, एक बार भी सॉरी नहीं बोला। मैं बस इस वीडियो में, गुस्सा एक अलग जगह पे है, लेकिन अगर फैक्चुअल बातें करें तो जो 84 में हुआ, जिस तरीके से किलिंग्स हुई, उसको ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, ना ही उस बात पे गांधी परिवार के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है जिसमें उनको कोई सज़ा हो सकती है, हर जगह ना ही नए समाज ने उनका, कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार किया। समाज छोड़ो, जिस पर्टिकुलर धर्म के साथ हुआ उस धर्म के लोगों ने कोई बॉयकॉट नहीं किया। अब एक गलती मीडिया की भी है, अब जैसे कि मैंने सिखों की गलती बता दी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गलती बता दी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की और भी गलतियाँ हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग होगी कश्मीर में, 5 लाख के आसपास कश्मीरी पंडितों को मारा गया, भगाया गया, रेप किया गया, कुछ चू तक नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, अयोध्या मैटर को ऐसे टाल ली जिसे बच्चों का खेल है। हमारी मीडिया, अब मैं मीडिया पे आ रहा हूँ, हमारी मीडिया किसको कितनी अहमियत देनी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि अगर इसका पॉजिटिव साइड देखते हैं, अगर इस मुद्दे को उठाया है तो इसका ये पॉजिटिव साइड है कि इसका असली चेहरा सामने आ गया, एक्सपोज करके रख दिया, और कांग्रेस को कभी, मतलब एक पल तो ऐसा आएगा जब कांग्रेस की असलियत सामने इतनी खुल के आ जाएगी कि लोग बॉयकॉट करना शुरू करेंगे। कम से कम वो लोग तो करें जिनके साथ पर्टिकुलर ध्यान दे के उस कांग्रेस पार्टी ने ये सब किया है, पूरे मोटिव से। और मोटिव वहीं सामने आ जाता है जब राजीव गांधी कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ दिन को दुनिया, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। और उस दिन से आज तक नहीं किसी पार्टी पे कुछ कार्रवाई हुई, नहीं किसी मेंबर ने अपोलोजाइज किया, ना तब किसी के आंसू गिरे। सोनिया गांधी के बहुत बार आंसू गिरते हैं भाई, फिर तो इन लोगों को अपनी क्रूज शिप याद आती है, वॉरशिप पे वो लोग ना टूर पे निकलते हैं। इस चीज़ में भी किसी को सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, क्यों सरप्राइज हो रहे हो? ये चीज़ इसलिए उन्होंने की क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई। अगर किसी को नहीं पता है तो जाके सर्च करें, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है उसके हिसाब से। अगर ब्रिटिशर्स गए तो वो फॉर द टाइम बींग, मान लो मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, तो वो लोग गए, उन्होंने कहा ये आपके बाप की जागीर है, हम जा रहे हैं छोड़ के, अब आप संभालो इसको, हम आज़ाद नहीं कर रहे हैं, हम आपको राज करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। और डिटेल्स अगर देखी जाए कि कैसे वो प्रधानमंत्री बनते हैं, कितने
वोटों से, कैसे वो अपनी पावर का यूज़ करके 370 को कैसे ऐड करा लेते हैं प्रेशराइज करके, कैसे सबके मना करने के बावजूद 35 ऐड हो जाता है, कैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, कैसे सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। ये एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस पार्टी में, कोई ध्यान दे। मतलब एक होता है एक्चुअली हमारी जनता बढ़ चुकी, इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये भी ध्यान नहीं दे रही है कि जब टाइम मैगजीन ने डिवाइडर कहा मोदी को, तो ये नहीं सोच रही है कि फिर यूनाइट करने वाला कौन है अगर वो डिवाइड करने वाला है तो। अगर क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों का ये भी कहना है कि जब से मोदी आए तब से धर्म के ऊपर कोई दंगा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है डिवाइड करने वाला ये इंसान तो नहीं है। दूसरी चीज, सिर्फ 90% मुसलमानों का वोट मांगने वाले कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ ने कहा, सिद्धू ने कहा मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो, मुसलमान एक होके वोट दो, बांटने वाले ये लोग। टाइम्स में निकल जाता है मोदी का, हो जाता है इशू, सबको एक नया मुद्दा मिल गया। एक्चुअली मैं ये इसी रीसेंट टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, चाहे भाजपा से पूछें चाहे कांग्रेस से पूछें, लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमें हमारे वोट की जो पावर है, आपको मैं बैठा रहा हूँ उस पद पे, आप अकाउंटेबल हो मेरी हर उस चीज़ का जो आप जिस बात के लिए आप वहाँ बैठे थे, जिस वादे के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लोग अगर अभी भी जागरूक होकर इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई यहाँ तक देख चुका है तो मैं चाहता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, वो क्या सोचता है। दूसरी चीज़, क्योंकि उनके पास अभी मुस्लिम वोट बैंक है, वो जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे साइड में कर देंगे। वोट बैंक के अलावा उन्होंने मुस्लिमों का क्या भला किया, मैं चाहता हूँ अगर कोई मुस्लिम में वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट करके बता दे, बजाय इसके कि मैनिफेस्टो में वो लोग ले आते हैं, और उसको भी वो कितना करेंगे वो भी मैं नहीं जानता हूँ और आज तक कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाया है। एंड में मैं जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है और उसका जो ये डायलॉग है हुआ तो हुआ, ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। एक कि इनको कोई दुख नहीं है कि इतने कश्मीरी पंडितों को मारा, इनको कोई दुख नहीं है कि इतने सिखों को मारा, कोई दुख नहीं है। कभी माफ़ी नहीं मांगी ना फ्यूचर में मांगेंगे, जब तक जनता, वो पर्टिकुलर जनता जब तक उनको आईना नहीं दिखा देती है, जवाब नहीं देती है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जनता कहेगी हुआ तो हुआ, वो वक्त ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को जनता के हाथों इतनी बुरी मात खानी पड़ेगी कि 50 साल के बच्चे को इतना बुरा झटका मिलेगा कि फिर जनता कहेगी हुआ तो हुआ। खैर, ऐसे लोगों का सिर्फ एक इलाज है, इनको इनकी गद्दी से हटाओ। ये कांग्रेस पार्टी आज भी पावर में नहीं है सेंटर लेवल पे, लेकिन सारी सुविधाएं इस्तेमाल करती है टैक्स पेयर्स की, उनको उठा के फेंको। जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, उनको तभी रिग्रेट फील होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।